इंसानी मेल जोल से बढ़ने वाला खतरनाक कोरोना वायरस जो एक इंसान में दूसरे इंसान में तेजी से फैल रहा है। जरा सी एहतियात आपको इस जानलेवा बीमारी से बचा सकती है। अपने हाथों को बार बार धोएं। हुकूमत के इस मिशन को कामयाब करने के लिए टुंडे न्यूज का साथ दें। जो सोच के आए थे उसका जनाजा सियासी जनाजा निकल गया। उनकी अपनी भतीजी से नहीं बन रही, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। उसकी भतीजी कह रही है कि अब्बासी को खाकान को बनाओ सदर। शहबाज शरीफ जो सोच कर आए थे उसका जनाजा निकल गया। उनकी भतीजी से नहीं बन रही, वो शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी का सदर बनाने का कह रही हैं। शेख रशीद कहते हैं मेरे मुवक्किलों ने बताया है अब शहबाज शरीफ की खैर नहीं। आसिफ जद्दारी घोंसले में चले गए हैं, वो जानते हैं कि अभी सियासत का वक्त नहीं। आटा चीनी स्कैंडल और IPPs अब लंबा मामला बन गया है। ये 6000 करप्शन का मसला है। वजीर हो या फकीर सब रगड़े जाएंगे। सिंध में कोरोना वायरस के मजीद 287 केसेस रिपोर्ट, 3 अफराद जान बहक। सिर्फ कराची में 199 अफराद वायरस का शिकार। लारकाना में 17, हैदराबाद में 13, शिकारपुर में 11, सखर में 7 केसेस की रिपोर्ट। सुबह में मुतासर अफराद की तादाद 4232 हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इदारे मरीजों और अवाम की देखभाल कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले अपना भी ख्याल रखें। अवाम से रमजान में घरों में रहने की अपील। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना सैयद मुनव्वर अब्बास शाह बुखारी की हदायत पर नायब तहसीलदार भवाना चौधरी मोहम्मद अशरफ रजूका की दबंग कार्रवाई। 650 बोरी गंदुम स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। 650 बोरी गंदुम भवाना पंसरा रोड अड्डा घग चौक पर नाका लगाकर पकड़ ली। रहीम यार खान एक ही चोर दो मुख्तलिफ जगहों से मोटरसाइकिल ले उड़ा। मोटरसाइकिल चोरी की फुटेज टुडे न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में चोर को वाजिया चोरी करते देखा जा सकता है, मगर पुलिस अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। रहीम यार खान महकमा वापडा की गफलत और बेहिसी 50 साल असलम की जान ले गई। घरों के और बिजली की झूलती तारों से अहले इलाका परेशान। अहले इलाका का वापडा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इंसानी मेल जोल से बढ़ने वाला खतरनाक कोरोना वायरस जो एक इंसान में दूसरे इंसान में तेजी से फैल रहा है। जरा सी एहतियात आपको इस जानलेवा बीमारी से बचा सकती है। अपने हाथों को बार बार धोएं। हुकूमत के इस मिशन को कामयाब करने के लिए टुंडे न्यूज का साथ दें।